एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस। स्टूडेंट, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो प्रोपगेशन की लास्ट टाइप है, जो कि है सेपरेशन एंड डिवीज़न। नेम से ही आप लोग जान सकते हैं कि सेपरेशन एंड डिवीज़न का मतलब क्या होता है। सेपरेशन मतलब किसी भी मेन पार्ट से कोई भी पार्ट को सेपरेट कर देना, और डिवीज़न का मतलब होता है किसी को भी पार्ट को जो है डिवाइड कर देना उसके मेन पार्ट से, वो डिवीज़न कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कि सेपरेशन और डिवीज़न से कैसे प्लांट की प्रोपोगेशन की जाती है। फर्स्टली ये जो है डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए, डेफिनेशन क्या है। सेपरेशन जो होता है डिनोट्स करता है डी अटैचेबल स्ट्रक्चर। वही जो मैं आप लोगों को बताई कि अटैच किसी भी मेन पार्ट से जो है डी अटैच कर देना या फिर अलग कर देना, उस वही सेपरेशन कहलाता है। एंड जो है डिवीज़न जो होता है किसी भी प्लांट पे जो है उसके पार्ट को कट करके अलग करना, वो जो है डिवीज़न कहलाता है। सेपरेशन में जो टाइप आते हैं वो आता है बल्ब हो गया और कॉम हो गया, और डिवीज़न के थ्रू जो किया जाता है या फिर ये समझ लिया प्लांट को जो प्रोपोगेट किया जाता है डिवीज़न के थ्रू, उसमें आते हैं राइजोम आते हैं और ट्यूब आता है, और या फिर ट्यूबरस रूट आते हैं। सॉरी, ये ट्यूब नहीं, यहाँ पे ट्यूबर होगा, आर यहाँ पे मिसिंग है, ट्यूबर एंड ट्यूबरस रूट। तो चलिए एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ देख लीजिए वही सेम चीज़, टाइप ऑफ सेपरेशन एंड डिवीज़न। इसमें आता है बल्ब आता है, कॉम आता है, राइजोम आता है, ट्यूबर हो गया और ट्यूबरस रूट हो गया। इनके थ्रू जो है जो प्रोपोगेशन किया जाता है वो जो है सेपरेशन एंड डिवीज़न कहलाते हैं। मींस जो भी प्लांट जो है बल्ब से किए जाएंगे, कॉम से किए जाएंगे, उनको ये कहा जाएगा कि ये सेपरेशन के थ्रू प्रोपोगेट किए गए हैं। पहला है बल्ब। बल्ब क्या होता है? एक अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन होता है जो कि प्रोड्यूस होता है मोनोकॉटिलिडनस प्लांट के थ्रू। आप लोगों को मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में पता ही होगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है। और बल्ब में, बल्ब क्या होता है डायग्राम के थ्रू आप लोगों को दिखाती हूँ। बल्ब ये होता है, ये बल्ब को आप लोग देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। जैसे कि अनियन का जो अनियन पार्ट होता है उसको भी हम लोग बल्ब बोलते हैं। ये भी जो है ये भी बल्ब है। बल्ब में जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ देख लिए। बल्ब में बल्ब्स क्या होते हैं, ऑफसेट क्या होते हैं और बल्बल्स क्या होते हैं। बल्बलेट्स जो होते हैं बल्ब के स्मॉल अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं जो कि बल्ब के साथ ही प्रोड्यूस होते हैं। और ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट जो होता है जब बल्बलेट्स जो है फुल साइज़ के हो जाते हैं तो उन्हीं को ऑफसेट कहते हैं। और बल्बिल्स, बल्बिल्स आप लोग जो है अगर गार्लिक की जो है खेती देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि जो है ऊपर स्टॉक के ऊपर जो छोटे छोटे से गार्लिक के फॉर्म में आ जाते हैं छोटे छोटे से, उनको बल्बिल्स कहते हैं। बल्बिल्स का डायग्राम देखिए कुछ इस तरीके से, ये गार्लिक का ही है। गार्लिक में ऐसे छोटे छोटे से ऊपर आ जाएंगे, लगेगा कि ये गार्लिक ही है बट वो एक्चुअली में जो है बल्बिल्स होते हैं। ये प्रोपगेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये एडिबल नहीं होते हैं, इसको खाया नहीं जाता है, और इसको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोपगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। टाइप्स ऑफ बल्ब देख लेते हैं। बल्ब जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है ट्यूनिकेटेड बल्ब, दूसरा होता है नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब। ट्यूनिकेटेड बल्ब होता है जिसमें जो है वो बल्ब जिसमें जो है एक कवरिंग होती है प्रोटेक्शन के पर्पज से, उसको ट्यूनिकेटेड बल्ब कहते हैं। जैसे कि अनियन में आप लोगों को पता होगा, प्याज में जो होता है ऊपर उसकी एक ड्राई
प्रोटेक्शन के लिए, या फिर ड्राई कल सा जो है उसका छिलका होता है, तो उसको हम लोग छिलते हैं, तब जाके हम लोगों को मेन प्याज जो है जो ऑप्टेन होती है, तो उसको फिर कट करके यूज़ किया जाता है। और उसी तरीके से गार्लिक हो गया, गार्लिक में लहसुन में आप लोग देखेंगे लहसुन के छिलके होते हैं, तो ये सब अनियन गार्लिक जो होते हैं वो ट्यूनिकेटेड बल्ब के एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि जो है उस पर एक कवरिंग होती है, ट्यूनिंग होती है, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बल्ब को ड्राइंग और इंजरी से। ये कवरिंग होती है, इसके वजह से जो है जो हमारा मेन पार्ट होता है अनियन में, जो मेन प्याज होता है, वो कभी ड्राई नहीं होता है, और उसको पे कोई मैकेनिकल ही नहीं होती, कोई डैमेज नहीं होता है। और जो नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब होते हैं, नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब में कोई भी ऊपर कवरिंग नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग जो है लीली लिख सकते हैं। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल जैसे कि मैं बताई यहाँ पे, ये अनियन का एग्जाम्पल देके, ये ट्यूनिकेटेड बल्ब की कैटेगरी में आता है अनियन, और ये लीली का ये बल्ब है, ये जो है नॉन ट्यूनिकेटेड की कैटेगरी में आता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो ऊपर वाला जो मैं कहती ना छिलका जो है, इसको छीलते हैं तब जाके मेन हम लोगों को प्याज मिलती है, तो यही जो ये कवर है ना, इसको जो है ट्यूनिक बोला जाता है। और जो ये पूरा पार्ट है, इसको जो है बल्ब कहा जाता है। ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कॉम के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। कॉम क्या होता है? ये कॉम जो होता है, ये भी एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होता है, जो कि नोड और इंटरनोड प्रोसेस करता है, या फिर समझ लीजिए आप लोग कि उसमें नोड और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। ये थोड़ा सॉलिड होता है, हार्ड होता है, और स्वेलन होता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग जो है देख सकते हैं ग्लैडियोलस और क्रोकस यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्लैडियोलस का जो एग्ज़ाम में स्टूडेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है सेपरेशन एंड डिवीजन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें अक्सर पूछ लिया जाता है कि कॉम के ग्लैडियोलस की प्रोपोगेशन किससे की जाती है। उसमें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, दे देगा कॉम से, बल्ब, राइजोम एट्सेट्रा, ऐसे एग्जांपल दे देते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बल्ब से भी हो सकता है, बिकॉज ये थोड़ा थोड़ा बल्ब की तरह दिखता है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बट ग्लैडियोलस की जो प्रोपोगेशन करते हैं वो कॉम से की जाती है, ठीक है। ये भी जो है, इसके ऊपर भी जो है ड्राई स्केल या फिर ड्राई लीव से ये कवर होता है, इसकी पहचान ये होती है। और ग्लैडियोलस का फ्लावर आप देख के आप लोग पहचान लीजिए, और अच्छे से माइंड में बिठा लीजिए कि ग्लैडियोलस की प्रोपोगेशन कॉम से की जाती है। ओके, अब हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पे देख लेते हैं राइजोम। राइजोम क्या होता है? राइजोम एक स्पेशलाइज्ड स्टेम का स्ट्रक्चर होता है, जो कि जस्ट ग्राउंड सरफेस के नीचे ही पाया जाता है। जो इस प्लांट होता है वो जहाँ से अटैच्ड होता है, मेन जो स्टेम पार्ट होता है जो ग्राउंड के ऊपर होता है, और जो अंडरग्राउंड के जस्ट नीचे अंडरग्राउंड पार्ट होता है, वही राइजोम कहलाता है। राइजोम से किसकी प्रोपोगेशन की जाती है? यहाँ पे बहुत अच्छा, ये तो फेमस ही क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, नेट हो गया या ZRF हो गया, उसमें ये क्वेश्चन अराइज होता है कि बनाना की प्रोपोगेशन किससे होती है, तो उसमें ऑप्शन दे देता है। तो अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे और नोट्स बनाएंगे, तो फिर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के आंसर मेरे वीडियो से ही मिल जाएंगे। ओके, वीडियो को अगर आप लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस लेके आऊं, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए कुछ हेल्प हो जाए। इसलिए प्लीज़ आप लोग लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, और सब्सक्राइब कर दिया करिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। तो चलिए इस आगे कंटिन्यू करते हैं। राइजोम ये बनाना का छोटा सा प्लांट है, उसी में दिखाया गया कि राइजोम क्या होता है। राइजोम्स जो है ये होते हैं, यही वाला पार्ट होता है राइजोम, जो अंडरग्राउंड पार्ट के नीचे, इतना पार्ट तो सॉइल के ऊपर रहता है और इतना पार्ट सॉइल के नीचे रहता है, तो वही वाला पार्ट राइजोम कहलाता है। बनाना मोनोकॉट में
राइजोम से जो प्रोपोगेशन किया जाते हैं उसका एग्जांपल बनाना है, आयरिस है, और डाइकॉट में जो एग्जांपल है वो है ब्लूबेरी। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन है वो है राइजोम में जो है नोड्स और इंटरनोड्स भी होते हैं। नोड्स, अच्छा क्या होता है स्टूडेंट, कोई भी जो है ऐसे मान लीजिए कोई भी अंडरग्राउंड पार्ट है उसमें ऐसे ऐसे करके कुछ आई बने हों या फिर कुछ भी ऐसे बने होते हैं थोड़े से उठे उठे, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको जो है उनको नोड्स बोलते हैं, उनको नोड्स बोलते हैं। और जो दो नोड्स के बीच में और जो टू नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको जो है इंटरनोड्स बोला जाता है। ये कॉमन सी बात है, आप लोग जो है आई होप आप लोगों को आता ही होगा, 6-7 स्टैंडर्ड में ही पढ़ाया जाता है साइंस की बुक में। तो आगे हम बढ़ते हैं, अब आप लोग का जो फोर्थ पार्ट है वो है ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है, ट्यूबर के नाम से सबसे पहले माइंड में क्या आता है, ट्यूबर के नाम से सबसे पहले हम लोग के माइंड में आलू आता है, पोटैटो। पोटैटो क्या होता है, एक अंडरग्राउंड पार्ट होता है, एक अंडरग्राउंड पार्ट है, ट्यूबर है, जिसमें जो है नोड्स पाए जाते हैं। आँख, हिंदी में उसको क्या, नोड्स को क्या बोलता है, बोला जाता है, कहते हैं आँख बोला जाता है। आँख की तरह कुछ आलू में जैसे वाइट वाइट पाया जाता है, उसी पोर्शन को ऐसे मान लीजिए यहाँ पे नोट अवेलेबल है, यहाँ पे मौजूद है नोट, तो ये पोर्शन कट करके इस पोर्शन को जो है सॉइल में लगाया जाता है, और ये पोर्शन ही प्रोपोगेशन के काम आती है। तो नोट्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पोटैटो। पोटैटो हो गया, एग्ज़ाम में पूछा जाता है नोट्स, पोटैटो में जो है कौन सा पार्ट प्रोपोगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और एग्ज़ाम्पल के लिए आर्टीचोक हो गया और जेरोसलेम हो गया, ये सारी चीज़ें जो है एग्ज़ाम्पल हैं किसकी, ट्यूबर की। अब हम लोग अपने नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। लास्ट स्लाइड में है ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट क्या होता है, ट्यूबर का एग्जांपल तो पोटैटो है, और ट्यूबरस रूट का एग्जांपल जो होता है वो स्वीट पोटैटो होता है। स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग कि ट्यूबर का एग्जांपल क्या है और ट्यूबरस रूट का क्या एग्जांपल है। ट्यूबरस रूट जो होते हैं वो जो है एक तरीके से स्टोरेज ऑर्गन का फंक्शन करते हैं। यहाँ पे मेंशन है स्टोरेज ऑर्गन, दीज आर थिकेंड ट्यूबरस रूट ग्रोथ दैट फंक्शन एज अ स्टोरेज ऑर्गन। जो रूट्स होते हैं वो जो है मतलब स्वेल होकर के एक स्टोरेज ऑर्गन का काम करने लगते हैं, उन्हीं को जो है ट्यूबरस रूट कहा जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल जो है वो है डहेलिया हो गया, कसावा हो गया, और स्वीट पोटैटो हो गया। पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, जेरोसलेम हो गया, कसावा हो गया, ये सब जो है हम लोग वेजिटेबल साइंस के अंडरग्राउंड पार्ट्स, जो अंडरग्राउंड एडिबल पार्ट्स कह लीजिए, या अंडरग्राउंड स्टेम हो गया, अंडरग्राउंड रूट्स हो गए, इन सब की कैटेगरी में हम लोग इनको पढ़ते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो अराइज होती हैं वो यहाँ प्रोपोगेशन में पोटैटो, स्वीट पोटैटो हो गया, इन सब से कवर किया जाता है, या फिर आप लोग वेजिटेबल साइंस में जाएंगे तो वहाँ भी ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वहाँ भी अराइज़ होते हैं कि जो है स्वीट पोटैटो की प्रोपोगेशन किससे की जाती है, या कसावा की प्रोपोगेशन किससे की जाती है। और पोटैटो तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि पोटैटो का प्रोपोगेशन किससे किया जाता है। तो ये स्टूडेंट छोटा सा टॉपिक था और डिवीज़न एंड सेपरेशन से रिलेटेड। जो लास्ट टॉपिक में मैं एंड में बोली थी कि जो है ये सकर हो गया, ऑफसेट हो गया, स्टोलन हो गया, ये सब जो है एग्जांपल हैं सेपरेशन एंड डिवीज़न के, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को करेक्ट करना चाहते हैं। ये सब जो है एक नेचुरली अकरिंग रूटेड लेयर होते हैं जो कि जिनको मतलब मदर प्लांट से अलग कर
करके अगर प्रोपोगेट किया जाए तो वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। वो सब जो है लेयरिंग के मॉडिफिकेशन पार्ट में आ जाते हैं, ना कि जो है सेपरेशन एंड डिवीज़न में आते हैं। ओके स्टूडेंट, अब जो है मैं ये छोटी सी जो टॉपिक थी इससे कई क्वेश्चन अराइज होते हैं, जैसे कि जो मैंने अनियन गार्लिक वाले पोर्शन बताई, या फिर जो है बनाना वाला, और हो गया पोटैटो का हो गया एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। और स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगी उसमें जो है मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक पूरी लिस्ट, पूरा कंबाइंड लिस्ट, जिस जो कि प्रोपगेशन में ग्राफ्टिंग हो गया, बडिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सब क्वेश्चन लेकर आऊँगी। सो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, स्टे ट्यून विथ मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।